हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आर न्यू वीडियो। और नेक्स्ट लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था प्रीएम्बल। प्रीएम्बल में क्या चीज़ें थी? इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, ये सब चीज़ें अपन ने पढ़ी थी, ठीक है। उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि अब अपन कुछ इंपॉर्टेंट केसेस के बारे में पढ़ेंगे जो कि अपने प्रीएम्बल से रिलेटेड हैं, क्योंकि कई बार क्या हुआ है, मतलब कई ऐसे केसेस रहे हैं जिनमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रीएम्बल जो है ना पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं है, ठीक है। तो ये क्यों नहीं है, उसके पीछे क्या रीज़न्स रहे हैं, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। और दूसरा ये कि जो भी अपने यूपीएससी में एनडीए, सीडीएस और सीएपीएफ के एग्ज़ाम्स दे रहे हैं और जिनको पॉलिटी वगैरह, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री या फिर ये सब पढ़ना है और उनको पूरी सीरीज चाहिए ना, तो वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको यहाँ पर पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी, पूरा आपको अच्छे से चीज़ें डिफाइन की गई होंगी, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो और अपने दोस्तों को भी शेयर कर लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर इंपॉर्टेंट केसेस के बारे में अपन पढ़ते हैं तो इंपॉर्टेंट केसेस में सबसे पहला केस आता है बेरुवरी केस, ठीक है। बेरुवरी केस जो कि 1960 में हुआ था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि प्रीएम्बल इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब बेरुवरी क्या है? बेरुवरी एक जगह है वेस्ट बंगाल में, ठीक है। वेस्ट बंगाल में उस टाइम क्या हुआ, जब पाकिस्तान और इंडिया का पार्टीशन हुआ, तो पाकिस्तान ने ये कहा कि भाई ये जो बेरुवरी जगह है ना, ये हमारे पाकिस्तान के हिस्से में आती है, तो ये हमें दे दो, ये आप हमें दो, ये मतलब हमारी जगह है। तो भाई अपने इंडिया में लोगों ने कहा कि ऐसा तो नहीं है कि हम कोई गलत काम तो नहीं करेंगे, ठीक है, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग होगा वैसा किया जाएगा, ठीक है। तो सभी लोग पहुँचे किसके पास? सुप्रीम कोर्ट के पास, ठीक है, कि भाई पाकिस्तान ने ऐसी डिमांड रखी है कि ये बेरुवरी जो है ना वेस्ट बंगाल का हिस्सा उस टाइम पाकिस्तान में आ रहा था, तो पाकिस्तान वाले कह रहे हैं कि आप हमें दे दो। तो सब लोगों ने जाके सुप्रीम कोर्ट में अपने जो मिनिस्टर्स वगैरह थे उन्होंने सबने कहा कि भाई देखो ऐसा कोई रूल एंड रेगुलेशन है क्या कि हम अपने देश की कोई भी ज़मीन ऐसे किसी भी देश को दे सकते हैं क्या, ठीक है। बट उसमें कुछ उन मेंबर्स में कुछ ऐसे भी थे जैसे होता ना कि भाई मेरी चीज़ है, हम कैसे देते हैं, और वो मेरी चीज़ है इसलिए क्योंकि अपने लास्ट वर्ड में पढ़ा था कि अपना जो कंट्री है वो सोवरेन है, ठीक है। तो सोवरेन कंट्री का मतलब होता है कि हमारा देश इंडिपेंडेंट बन चुका है, और इंडिपेंडेंट बन चुका है मतलब हमारे देश में, हमारे देश की चीज़ों में, हमारे कानून व्यवस्था में या और किसी चीज़ में कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग कुछ ऐसे थे, मतलब सन्नी पाजी जैसे कि भाई ऐसे कैसे हम दे दें, ये है वो है, हमारा हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान की ज़मीन है, तो हम ऐसे किसी को क्यों दे दें, ठीक है। तो लेकिन बट उन चीज़ों से काम नहीं चलेगा, हर एक चीज़ देखी जाएगी, ठीक है। अब किसी को भी ज़मीन दे, अब जैसे अगर मान लो हम ऐसे नहीं दे सकते कि आया कोई भी और ये ज़मीन आप हमें दे दो, तो हमने हमारी इच्छा रही हम इंडिपेंडेंट हैं, तो कुछ ने कह दिया हम दे सकते हैं, कुछ ने कह दिया हम नहीं दे सकते, तो मन मर्जी नहीं चलेगी, ठीक है। यहाँ पर सीड एक वर्ड आता है, तो सीड का मतलब होता है दे देना, ठीक है। 1971 में वेस्ट बंगाल जब पार्ट सेपरेट हुआ था पाकिस्तान से, उसके बाद आज के टाइम पे उसका नाम है बांग्लादेश। बांग्लादेश मतलब इंडिया से अलग हुआ था 1971 में, ठीक है। तो वहाँ पर जब चीज़ें हुई कि दे सकते हैं, तो उसमें अगर हमें किसी को ज़मीन देनी है तो हम दे तो सकते हैं, बट उसमें अमेंडमेंट्स होते हैं, ठीक है। अमेंडमेंट करके हम अपने ज़मीन दे सकते हैं, ठीक है, थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जैसे कि मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, ये थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू हम अपने देश की ज़मीन को किसी और देश को दे सकते हैं, मतलब ये अपने कानून में है, ठीक है। उस टाइम बांग्लादेश भी मतलब 1971 में अलग हो गया, 1960 में हमने दे दिया, फिर 1971 में पाकिस्तान से वेस्ट बंगाल अलग हो गया, तो बेरुवरी वो फिर बांग्लादेश में अलग चला गया, ठीक है। उसके तो इसलिए उन्होंने कहा था कि इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि प्रीएम्बल इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। प्रीएम्बल में सोवरेन वर्ड था, कि सोवरेन वर्ड का मतलब वहाँ पर कहा गया था कि हम हमारे देश में, हमारा देश इंडिपेंडेंट है, कोई भी और देश इंटरफेयर नहीं कर सकता, या फिर हम आज़ाद हैं, हम जो मन चाहें वो कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि हम किसी को भी अपनी ज़मीन दे दें, या फिर दे भी दें और नहीं भी दे दें, मतलब मनमर्जी नहीं चलेगी, जो भी रूल्स हैं उसको फॉलो किया जाएगा और वो पार्लियामेंट डिसाइड करेगी, कानून बनेगा, कानून अमेंडमेंट करेगा और पार्लियामेंट डिसाइड करेगी कि हमें ज़मीन देनी है या नहीं देनी है, ठीक है। तो इसलिए उस वक्त कहा गया था, तो ये फर्स्ट टाइम था अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रीएम्बल इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। फिर अपना नेक्स्ट केस आता है कि गोलकनाथ केस वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, जो कि 1967 में हुआ, ठीक है। उस टाइम क्या कहा गया था, गोलकनाथ केस में क्या हुआ कि जो
द कोर्ट रूल्ड दैट पार्लियामेंट कुड नॉट कर्टेल एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, उस टाइम भी यही कहा गया, प्रेम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो कुछ केसेस हैं बस याद रखने हैं कि 1960 में कहा गया सबसे फर्स्ट टाइम, उसके बाद फिर गोलकनाथ केस भी आया वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट, फिर आया नेक्स्ट आया केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस ने कह दिया कि ऐसे कैसे आप नहीं कह सकते हो, प्रेम्बल इतना इंपॉर्टेंट और अहम हिस्सा है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि प्रेम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, ऐसे कैसे कह सकते हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा चलो ठीक है, हमने मान लिया कि प्रेम्बल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, बट वो जस्टिसेबल नहीं है। जस्टिसेबल नहीं है क्यों? जस्टिसेबल का मतलब क्या होता है कि अब जैसे कोविड-19 में कई कई लोगों की जॉब गई, ठीक है, वहाँ पर एक इकोनॉमी वर्ड था, इकोनॉमी जस्टिस, ठीक है, तो कई लोगों की जॉब गई, तो उसमें कहा गया कि अब मान लो कोविड-19 जब जॉब चली गई लोगों की, तो अब उसमें इकोनॉमिक राइट, उस टाइम इकोनॉमिक जस्टिस है। तो इकोनॉमिक जस्टिस में क्या होता है कि सबको बराबर इक्वल मैन डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है, इक्वली ट्रीट करना है इकोनॉमिकली, ठीक है। तो अब ये तो फिर सरकार का काम हो गया, जब कोविड-19 में लोगों की जॉब गई है तो ये तो सरकार का काम है कि भाई कल को 1 लाख लोगों की जॉब चली गई, 50,000 लोगों की जॉब चली गई, तो सुप्रीम कोर्ट या फिर जो सरकार है वो सबको जॉब दिलाए। बट इन रियलिटी ये तो पॉसिबल नहीं है ना कि कल को कोई भी कहे भाई मेरी जॉब चली गई तो मुझे जॉब दिलाओ, तो इतनी सारी जॉब्स लेके कहाँ से आएगी सरकार। तो इन रियलिटी क्या है कि वो इकोनॉमिकली जस्टिस नहीं कर दे सकता प्रेम्बल। तो इसलिए कहा गया कि केशवान, इसलिए उस वक्त जब केशवानंद भारती केस ने कहा, ओवर रूल किया था सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पर, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कह दिया कि चलो ठीक है, हम मान एक बार मान लेते हैं कि सुप्रीम अपने जो प्रेम्बल है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, बट वो जस्टिसेबल इसीलिए नहीं है क्योंकि इकोनॉमिक जस्टिस इक्वल नहीं है। वो इकोनॉमिक जस्टिस की जो अपना पार्ट था, अपन ने प्रेम्बल लास्ट वीडियो में पढ़ा था, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने कह दिया था कि वो जस्टिसेबल नहीं है। तो इस वजह से उस वक्त केशवानंद भारती केस 1973 में ये भी हुआ था, यही हुआ था। फिर उसके बाद LIC केस भी आया था 1995 में, जिस वक्त उसमें भी कहा गया था द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द प्रेम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट इट इज़ नॉट जस्टिसेबल, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट वीडियो, है बट वो जस्टिसेबल नहीं है। फिर आता है एक नोट है यहाँ पर, द प्रेम्बल वॉज अमेंडेड ओनली वंस इन 42 अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ड्यूरिंग द एमरजेंसी पीरियड इन 1976, ठीक है। इसमें क्या था कि अपने प्रेम्बल में जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, उससे पहले या उस तारीख तक अपने जो प्रेम्बल और अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ये तीन वर्ड नहीं थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, ये तीन वर्ड नहीं थे। ये ऐड किए गए कब, वो जो इमरजेंसी थी इंदिरा गांधी के टाइम लागू की गई थी, उस इमरजेंसी में ये तीन वर्ड ऐड हुए थे 1976 में, जब उस टाइम कौन सा अमेंडमेंट हुआ था, 42 अमेंडमेंट। उस 42 अमेंडमेंट के थ्रू 1976 में तीन वर्ड्स ऐड किए गए, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, ठीक है, ये याद रखना। फिर आता है हाँ, फिर ये तो मैंने आपको केसेस पढ़ा दिए, केसेस में अपन ने पढ़ लिया कि फर्स्ट बेरुबरी केस में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रेम्बल अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं है। उसके बाद फिर एक और केस में कहा गया कि उसमें केश भारती केस में, फिर गोलकनाथ केस में भी ये सेम चीज़ रिपीट की गई, प्रेम्बल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं है, ठीक है। केशवानंद भारती केस में कहा गया, उन्होंने ओवर रूल जब ओवर ट्यून किया सुप्रीम कोर्ट के केस पर, तब भी यही कहा गया कि आप ऐसे कैसे कह सकते हो, उसमें कहा गया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त कह दिया कि जस्टिसेबल नहीं है अपना जो प्रेम्बल है। फिर LIC केस में भी सेम चीज़ रिपीट की गई, उसके बाद ये हुआ, तीन शब्द अपने ऐड हुए प्रेम्बल में, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, ये 42 अमेंडमेंट में हुए एमरजेंसी पीरियड में इंदिरा गांधी के टाइम पर, ठीक है। फिर अपना प्रेम्बल कंप्लीट हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे वो अपन ने कवर कर लिया, दो चीज़ें कवर कर लें। अब अपन ही शुरुआत होने वाली है कि आर्टिकल्स पे, पार्ट वन जो अपना फर्स्ट चैप्टर आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसका नाम है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। इस आर्टिकल में क्या है, इस पार्ट में आते हैं चार आर्टिकल, आर्टिकल 1, 2, 4, ठीक है। अब आर्टिकल 1 है यूनियन ऑफ स्टेट। यूनियन ऑफ स्टेट क्या है, यहाँ पर एक नंबर 1 लिखा हुआ है इंडिया,
दैट इज़ भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक है। यहाँ पर ये नहीं लिखा कि इंडिया इज़ अ कंट्री, ठीक है। तो यहाँ पर दो नाम है, इंडिया भी वही चीज़ है, भारत भी वही चीज़ है, तो यहाँ फिर दो नाम क्यों मेंशन किए गए? अब देखो यहाँ पर दो नाम सिर्फ इसलिए मेंशन किए गए क्योंकि जो पार्लियामेंट में या फिर अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पर वो जो चीज़ें थी जब लिखी गई थी, तो दो तरह की सोच के लोग होते हैं, एक होते हैं मॉडर्न सोच के, एक होते हैं थोड़ी पिछड़ी सोच या फिर कह सकते हैं ओल्ड फैशन या फिर न्यू फैशन, ठीक है। तो कुछ लोगों ने कहा कि अपने देश का नाम इंडिया होना चाहिए, कुछ लोगों ने कहा अपने देश का नाम भारत होना चाहिए। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि चलो दोनों की बात रख लेते हैं, इंडिया और भारत दोनों का नाम रख लेते हैं, ठीक है। अब तीसरा वर्ड आता है यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक है। यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब क्या है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है, इधर उधर डिस्ट्रैक्ट मत रहना। यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब है एकता, सारे स्टेट की एकता। बट यूनियन का मतलब क्या होता है, देखो जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना ना, तो अपन गए अंबेडकर जी के पास। अंबेडकर कौन है? बी आर अंबेडकर, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के फादर, फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, ठीक है। उनके पास गए कि सर आपने कॉन्स्टिट्यूशन तो बना दिया और आपने लिख दिया यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक है। अब यूनियन ऑफ स्टेट यहाँ पर मतलब एक गवर्नमेंट, ठीक है। तो अपने क्या, अपने देश में क्या एक ही गवर्नमेंट काम करेगी? तो भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि भाई ऐसा तो नहीं है, लेकिन हम गए हैं तो हमने पूछा कि सर देखो थोड़ी बहुत तो पॉलिटी या थोड़ा बहुत तो अपन ने भी पढ़ा है। तो यूनियन का मतलब होता है एक, ठीक है, एक। फेडरल का मतलब होता है दो, ठीक है। तो भीमराव अम्बेडकर ने कहा देखो यूनियन का मतलब एक ही मत लो, ठीक है। यूनियन का मतलब ये है, जैसे कि मैं कंपैरिजन दिखाता हूँ, कंपैरिजन था। तो जब भीमराव अम्बेडकर ने हमसे कहा कि एक काम करो, सबसे पहले ना तुम एक बार यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन या फिर यूएसए का प्रेम्बल उठाकर देखो। तुमने यूएसए का प्रेम्बल पढ़ा? तो बोला नहीं पढ़ा। तो फिर हमने जब उसे देखा तो उसमें क्या था, वहाँ पर फेडरल था, वहाँ पर भी दो गवर्नमेंट काम कर रहे थे, एक स्टेट गवर्नमेंट एक सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। बट वहाँ पर फेडरल ये था, वहाँ पर फेडरल इसलिए लिखा गया है क्योंकि वहाँ पर जो यूएसए जो बना है ना, वहाँ पर छोटे छोटे देश थे, लगभग 40 या 50 के लिए एग्ज़ाम्पल के तौर पर 40-50 देश थे, जिन्होंने खुद से मिलकर कहा कि हम जब छोटे छोटे हैं तो हम पावरफुल भी नहीं हैं, तो हम सारे मर्ज हो जाते हैं ना, एक बड़ा देश बनाते हैं जिससे हम पावरफुल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये तो बात ठीक थी, बट वहाँ पर जब कोई नियम लागू होता है, ठीक है, तो नियम लागू होने के लिए वहाँ पर ये नहीं होता कि सेंट्रल गवर्नमेंट की चलती है, वहाँ पर क्या होता है कि हर एक स्टेट, जैसे कि 50 हैं, उन 50ों से पूछा जाता है, 50 लोग अपनी पूरी मंजूरी देते हैं, तब वो कोई कानून बनता है और तब वो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको लागू करती है, ठीक है। तो ये वहाँ पर नियम रहता है। और बाकी जो 50 देश थे जो वहाँ के इस टाइम अगर देखा जाए तो वो 50 स्टेट होगा यूएसए के, ठीक है। तो वो सारा अपने अपने लेवल पे काम करते हैं और वहाँ दोनों को इक्वल पावर है, वहाँ पर ऐसा नहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर है या स्टेट गवर्नमेंट को कम पावर है, वहाँ पर दोनों, इवन वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर कम है और स्टेट गवर्नमेंट को पावर ज़्यादा है, ठीक है। वहाँ पर स्टेट जो डिसाइड करता है ना उसको सेंट्रल फॉलो करती है, तो वहाँ पर जो अप्रोच है ना वो बॉटम टू अप है, मतलब नीचे स्टेट से शुरुआत होती है और सेंट्रल तक जाती है। तो वहाँ पर अप्रोच और वहाँ पर कमिंग टुगेदर फेडरेशन का मतलब है कि वहाँ पर साब जितने भी स्टेट्स हैं, जितने भी कंट्री जिन्होंने मिलकर एक यूएसए बनाया है ना, उन सब मतलब वो सारे मिलकर उस पूरे यूएसए को बना रहे हैं, मतलब उस पूरे एक देश को वो सारे मिलकर अपनी मर्जी से फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पर कमिंग टुगेदर फेडरेशन है। फिर वहाँ पर 50 कंट्रीज ने फॉर्म एक देश बनाया, मतलब 50 देशों, छोटे छोटे देशों ने मिलकर एक बड़ा देश बनाया जिसका नाम रखा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो ये तो था यूएसए का प्रीएम्बल, ठीक है। फिर अपने जैसे अपन लास्ट में पढ़ा यूनियन ऑफ स्टेट, फिर अपना कंपैरिजन आते हैं इंडिया पे। इंडिया में क्या है, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। इंडिया में मतलब ये है कि जो भी जितने भी इंडिया के अंदर स्टेट्स आते हैं, ठीक है, जितने भी स्टेट्स आते हैं उनको होल्ड करके रखना है, मतलब किसी भी। और दूसरा क्या है, अपने इंडिया में ना सबसे ज़्यादा पावर जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दी हुई है, ठीक है, सबसे ज़्यादा। और स्टेट गवर्नमेंट को क्या है कि चलो भाई तुम्हें भी थोड़ी थोड़ी पावर बांट देते हैं, ठीक है, तुम लोग भी मतलब अपना थोड़ा थोड़ा, मतलब ज़्यादा हिस्सा नहीं, बट जो मेजर पावर है कानून बनाने की, इस पूरे देश को चलाने की, या फिर किसी राज्य में जब कोई सरकार नहीं होती है तो वहाँ पर अपना प्रेसिडेंशियल रूल लागू हो जाता है और वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट उस स्टेट को चलाती है जब तक वहाँ पर कोई चीफ मिनिस्टर नहीं आता है। तो सबसे ज़्यादा पावर ना सेंट्रल गवर्नमेंट को दे रखी है।
अब आता है फिर दूसरा क्या, स्टेट कंबाइंड टू फॉर्म कंट्री। तो यहाँ पर छोटे छोटे स्टेट्स मतलब अपने इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं उन सबको मिला के कंट्री बनाया गया है, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने छोट मतलब बहुत थोड़ी सी पावर स्टेट्स को दे रखी है। और वहाँ यहाँ पर अपने इंडिया में अप्रोच क्या है, टॉप टू बॉटम, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट रूल करती है अपने देश पर और स्टेट गवर्नमेंट को भी ऑर्डर्स देती है कि इस देश में क्या चीज़ें लानी है, क्या चीज़ें करनी है। तो जो मोदी जी अपने कह देते हैं ना वही अपने स्टेट्स में चीज़ें चलती हैं, मतलब चीफ मिनिस्टर तो या फिर जो फिर स्टेट की गवर्नमेंट रहती है वो एक एक निमित्त मात्र होती है, मतलब मामूली सी चीज़ है, ठीक है। फिर अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लेकिन एक चीज़ है कि यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब ये है कि जितने भी राज्य हैं उन सबको होल्ड के रखना है। अब कल को ये नहीं है कि कोई भी स्टेट का स्टेट की गवर्नमेंट ही ये कहे कि भाई हमें ना, या फिर जैसे यूपी की गवर्नमेंट ने कह दिया हमें तो यूपी इंडिया से अलग करना है, या फिर एमपी की गवर्नमेंट ने कह दिया हमें इंडिया से अलग होना है, तो ऐसे किसी में भी मतलब राइट्स नहीं है और कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। तो सभी स्टेट्स को रहना ही रहना होगा एनी हाउ अपने इंडिया में, उनको पावर या ऐसा कोई नियम, ऐसा कोई अमेंडमेंट, ऐसा कोई रूल नहीं है कि अपने कोई भी स्टेट को पावर हो वो अपने नियम से देश छोड़ सके। ये सिर्फ पार्लियामेंट डिसाइड कर सकती है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड कर सकती है कि किस देश को या किस राज्य को अपने को हटाना है, किस राज्य को जोड़ना है, क्या है, वो पार्लियामेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है। बट किसी राज्य की सरकार में इतनी ताकत नहीं है कि वो अपनी मर्जी से ये बोल दे कि मुझे इस देश से अलग होना है, मुझे इस देश से दिक्कत हो रही है, या फिर मतलब इंडिया से दिक्कत है, इंडिया से अलग होना है, ये सारी चीज़ें। तो यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब सिंपल सा यही है कि यूनियन ऑफ स्टेट मतलब जो भी स्टेट्स हैं इंडिया में उन सबको होल्ड करके रखना है। यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा पावर है तो सब लोग मिलजुल कर रहेंगे, मतलब रहना ही पड़ेगा उन सारे स्टेट्स को, स्टेट्स अलग नहीं हो सकते इस कंट्री से। तो यूनियन का मतलब बस ये है, यहाँ पर यूनियन का मतलब ये नहीं है कि एक सरकार, यहाँ पर यूनियन ऑफ स्टेट्स का मतलब सभी स्टेट्स को इस इंडिया में मिलजुल कर रहना पड़ेगा। तो ये था अपना आर्टिकल 1, ठीक है। अब यहाँ पर ये मैंने कुछ चीज़ें लिखी हैं, स्टेट और यूनियन टेरिटरी में क्या डिफरेंस है। स्टेट क्या है, चीफ मिनिस्टर के द्वारा रन करता है, ठीक है। अगर वहाँ पर कोई स्टेट में गवर्नमेंट नहीं है तो वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल करती है, फिर प्रेसिडेंशियल रूल लागू हो जाता है। यूनियन टेरिटरी क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो यूनियन टेरिटरी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू रन होती है। बट कुछ ऐसे यूनियन टेरिटरी हैं जो स्पेशल स्टेटस एक्वायर्ड करती हैं, जैसे कि दिल्ली हो गया, पौंडीचेरी हो गया। अब ये दिल्ली एंड पौंडीचेरी, इनके पीछे भी कहानी है कि ये स्पेशल रूल या एक्वायर्ड क्यों, स्पेशल स्टेटस एक्वायर्ड क्यों करते हैं, क्योंकि दिल्ली तो देखो कैपिटल आ जाती है, अपने इंडिया की कैपिटल रहती है, तो वहाँ पर नीड रहती है, इसलिए वहाँ पर चीफ मिनिस्टर केजरीवाल हैं इस वक्त, ठीक है। पौंडीचेरी के पीछे भी एक स्टोरी रही हुई है। तो ये कुछ ऐसे यूनियन टेरिटरी रहती हैं जो कि स्पेशल स्टेटस एक्वायर्ड करती हैं। तो ये था स्टेट वर्सेज यूनियन टेरिटरी के बीच में डिफरेंस, ठीक है। तो दैट्स इट गाइज, आपने आज के इस वीडियो में यही था, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अपना वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, एंड शेयर करना, अपने दोस्तों शेयर करिए जो भी NDA CDS CAPF की तैयारी कर रहे हैं, जिनको भी पॉलिटी इकोनॉमिक्स ये सब ज्योग्राफी वगैरह पढ़नी है तो वो आए हमारे चैनल पे, सब्सक्राइब करें। और आपको क्विक रिविज़न के अकॉर्डिंग यहाँ पर चीज़ें मिलेंगी। तो आज अपन ने पढ़ा क्या, कुछ इंपॉर्टेंट केसेस पढ़े, बेरूबरी केस, गोलकनाथ केस, उसके बाद केशवानंद केस, भारती केस, LIC केस, फिर अपन ने ये तीन शब्द अपने प्रेम्बल में ऐड हुए 42nd अमेंडमेंट में, ये पढ़ा अपन ने। फिर पार्ट 1 आर्टिकल 1 to 4 में आर्टिकल 1 पढ़ लिया अपने कि यूनियन ऑफ स्टेट्स का मतलब के कंपैरिजन करके मैंने आपको बता दिया स्टेट वर्सेज यूनियन टेरिटरी में क्या डिफरेंस है, कुछ स्टेट्स यूनियन टेरिटरी स्पेशल स्टेटस क्यों एक्वायर्ड करती हैं, ठीक है। यही था अपने वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में अपन आर्टिकल 2 आर्टिकल 3 आर्टिकल 4 पढ़ेंगे। और प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, एंड थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद।